हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आप सबको न्यू वर्स की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को शेयर करते हुए कि आप सब मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप सब मेरी फैमिली है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबके साथ अपनी खुशी को शेयर करूँ। तो सबसे पहले नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सबको। मैं चाहती हूँ कि इस वर्ष जिन लोगों को जो चीज़ भी चाहिए ना, वो पूरी हो, और आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे आपको सक्सेस मिले। ठीक है, होता है ना कि नव वर्ष का मतलब क्या होता है, हर साल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हम वाकई में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, या सिर्फ एक आंकड़ा आंकड़ा बोलने के लिए ये है? हर बार कुछ ना कुछ होता है ना, जैसे कि एक ईयर जब हो जाता है, जब बच्चा होता है, तो कि 4 ईयर का हो गया, नेक्स्ट ईयर 2003 में ये 4 ईयर का था, 2004 में ये 4 ईयर का हो गया, 5 ईयर का हो गया, 6 ईयर का हो गया, तो ऐसे करके वो ग्रो करता है। इसी तरह से नव वर्ष का मतलब हमारे लिए भी यही होना चाहिए कि हमने 2022 में ये किया और 2023 में हम ये करेंगे, तो तभी इसका मीनिंग है नव वर्ष का। नहीं तो हर दिन एक जैसा है, कोई फ़र्क ही नहीं है, है ना। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर आप लोग सोचते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपनी जो खुशी है ना, छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने स्टार्ट करती है, जो भी मुझे ठीक लगता गया मैं करती गई, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कहीं भी जाके मुझे रिग्रेट फील नहीं होता कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ बहुत ज़रूरी है। जब हम खुश रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती थी कि नव वर्ष में आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका एम क्या है। चाहे आप हाउसवाइफ है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, जो भी हैं आप, ठीक है, घर पे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जो भी आपका काम है ना, तो प्लीज़ इस ईयर एक अपने लिए डिसाइड कर ले। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी, आप सोचोगे कि हम तो हाउसवाइफ हैं, हम क्या एम डिसाइड करें, हमारे लिए क्या एम हो सकता है, वही झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का काम, खाना और ये सब। ऐसा नहीं है, हम भी अपनी खुशियों को ढूंढेंगे, हमें भी देखना है। पहले भी मैंने शेयर किया था, जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। तो हमने डिसाइड करना है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे, सपोज करो आपने प्रण ले लिया है ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपका, तो न्यू इस वर्ष में आपने क्या प्रण लेना है। प्रण का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन तो हम उस काम को करते हैं और चौथे दिन बस वो गुल हो जाता है एज यूजुअली, ऐसा नहीं करना है। तो प्रण का मतलब ये है कि कुछ भी हालात हो, हालात चाहे कैसे भी हों, उस काम के बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये होता है एक्चुअल में प्रण का मीनिंग, और ऐसा ही आपने करना है। तो बट आप करेंगे कैसे, एक छोटा सा पॉइंट कर लो। अगर आप लेट उठते हो, है ना, कुछ चीज़ें बताती हूँ, इनमें से आई होप कि आपके लायक या आपके काम की कोई चीज़ हो, अगर हो तो उसको अपनाना। सपोज करो कि आप लेट उठते हो, तो जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, निर्णय ले लो, ये दृढ़ संकल्प कर लो कि हमने जल्दी उठना ही उठना है, चाहे संडे हो, मंडे हो, जो भी हो। ठीक है, वीक में एक दिन का रेस्ट आप ले सकते हैं, बट रेगुलर बेस पे आप जल्दी उठेंगे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपका पहले टाइम था उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपेयर में आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, और उठ के एक्सरसाइज करेंगे या फिर वॉकिंग करेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है आपकी अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो भी काम है या आप जो भी चीज़ें करते हैं उसके अकॉर्डिंग। आप चाहें तो योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल है, वॉकिंग तो हर कोई कर सकता है। रही बात योगा और एक्सरसाइज की, नॉर्मल बॉडी स्ट्रेच करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग जो करते हैं ना, वो योगा हो गया। बस बहुत आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है हमने इसमें डिग्री लेनी है, ठीक है, वो चीज़ें हमने नहीं करनी, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करनी। तो एक प्रण हमने ले लिया कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, तो जब हम जल्दी उठेंगे तो कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि हम पहले 9 बजे उठते थे, अब हम 6 बजे अगर उठ रहे हैं तो 3 घंटे हैं हमारे पास, उन 3 घंटों में बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो वो उस टाइम खुद को वो टाइम हम दे सकते हैं, उस टाइम में कोई भी हमें रोकने या टोकने वाला नहीं है। ये चीज़ पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें करके ही कुछ बड़ा अचीव हम करेंगे। हम सोचें कि डायरेक्ट कुछ नहीं, ये छोटे मोटे काम हम नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट ही कुछ बड़ा करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है।
स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं तभी जाके हमें अचीवमेंट मिलती है और तभी वो लॉन्ग लाइफ चलती है और तभी उसकी कुछ वैल्यू होती है। सडन करके अगर हमें कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू भी हमें नहीं होगी और उसका मीनिंग भी हमें नहीं पता होगा। ठीक है, पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकती है, जो भी आपकी हैबिट है, सपोज करो आप हाउसवाइफ हो, कुछ नहीं करते हो, आप सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी चाहे वो कर सकती हो। आपको पता है मुझे, मैंने सिलाई सीखी थी 8th स्टैंडर्ड में, उसके बाद मुझे काफ़ी लंबा टाइम रहा था, मतलब कॉलेज के टाइम में भी हम अपने कपड़े स्टिच करते थे, बट बीच में काफ़ी लंबा गैप रहा था जब हम ये काम हमने छोड़ दिए थे। बट अब पिछले 2 साल से फिर से मैं ये काम कर रही हूँ, तो किसी भी काम को करने में कोई बुराई नहीं है, बजाय इसके कि हम बैठें सोचें। जब हम खाली होंगे तो किसी ना किसी को फ़ोन करेंगे, है ना, अननेसेसरी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उससे बातें करेंगे उसके बारे में, इसके बारे में, और अननेसेसरी अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। अगर हमने समझना है तो टाइम की वैल्यू को समझना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो टाइम हमारा चला गया है उसको वापस नहीं ला सकते, तो इसलिए प्लीज़ टाइम की वैल्यू को समझो। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है या फिर कुछ भी अपने अंदर देखो कि हम क्या कर सकते हैं, वो काम स्टार्ट कर दो। तीसरा कि अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो, है ना, एक रात पहले, सपोज करो आज की रात ही अगले दिन का अपना जो भी दिनचर्या होती है ना उसको लिखो। लिखने से क्या होता है, हमारे माइंड में वो चीज़ रहती है कि हाँ 9 o'clock मैंने ब्रेकफास्ट करना है, ओके 9 o'clock ब्रेकफास्ट हो गया, मैं 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में फ्री होती हूँ, उस टाइम को किस तरह से मैंने प्रोडक्टिव बनाना है उसके बारे में हमने सोचना है। ठीक है, अब हर किसी का अलग अलग टाइम हो सकता है ना, कोई इवनिंग के टाइम में फ्री हो सकता है, किसी के पास हो सकता है कि सुबह का टाइम हो, किसी के पास हो सकता है कि आफ्टरनून का टाइम हो, जो भी टाइम आपको लगता है ना कि मेरे पास ये टाइम है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करती हूँ, तो उस टाइम को लो और देखो उस टाइम को किस तरह से हम अपने लिए प्रोडक्टिव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उस टाइम में। जो आपकी हॉबी है, जो कि कभी होता है ना कि हम बोलते हैं कि जैसे कि मैं, मुझे टीचर बनना था लेकिन मैं टीचर नहीं बन पाई, तो इस चीज़ का दुख होता है ना कि मुझे टीचर बनना था लेकिन मैं टीचर नहीं बन पाई, दुख तो होता ही। हम सोचते हैं कि मुझे ये काम करना था या जो भी आप करना चाहते थे वो नहीं हुआ हुआ है, तो किसी भी काम को करने की एज नहीं होती है। आज अभी से स्टार्ट कर दो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, अगर आपको टीचिंग का शौक है तो आप ट्यूशन करना स्टार्ट कर दो, तो कुछ भी करो बट अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ कि आज मैंने क्या ऐसा वैल्यूएबल किया। देखिए ये तो हमारा फ़र्ज है, दिन भर के जो भी हमारे घर के काम होते हैं ये हमें करने ही होते हैं, है ना, चाहे हम हाउसवाइफ है चाहे वर्किंग है, वर्किंग वुमेन भी ये सब काम करती है ना, उसके बावजूद भी वो पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, फिर से घर के सारे काम करती है, तो हम घर में रह के अपने लिए कुछ वैल्यूएबल क्यों नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के लिए कुछ वैल्यूएबल क्यों नहीं कर सकते। आप अगर कुकिंग आपको अच्छी लगती है तो नई नई डिशेज सीखें, नई नई चीज़ें बनाना सीखें, है ना। और सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना कि सारी जितनी भी प्रॉब्लम की जड़ होती है वो हमारा दिमाग होता है, और दिमाग को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें। वो कैसे हो सकता है, वो तभी होगा जब हम अपने बारे में सोचेंगे, जब हमारा इंटरेस्ट बाहर रहता है ना कि इसका क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्यों किया, तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, जब दिमाग ही कूड़े के अंदर है तो दिमाग के अंदर भी वही गंदगी और वही ओवर थिंकिंग और वो सब चीज़ें चलेंगी, और जब वो सब चीज़ें चलेंगी ना तो कुछ भी प्रोडक्टिव हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू दो उस चीज़ को या उस पर्सन को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फैमिली की वैल्यू को समझो, फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे हमें चीज़ें समझ आती है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, बल्कि एक टाइम होता है कि हमें नहीं समझ होती है इतनी, बट धीरे धीरे करके जब चीज़ें समझ आने लगती है ना तो तभी से स्टार्ट कर दो कि मैंने अपने बच्चों को इस तरह से बनाना है तो मैं बच्चों को ये चीज़ पढ़ा सकती हूँ, या अपने बच्चों को ये चीज़ खिलाना नहीं, गेम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि ये इस गेम में मेरा बच्चा अच्छा है तो मैं उसके ऊपर फोकस करूँ, है ना, कि मैंने तो जो करना था वो हो गया बट उधर फोकस करूँ। जब बच्चे जब सक्सेस होते हैं ना तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है उस टाइम पे, तो उधर हम फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कुछ इतना इन्वेस्ट नहीं करना है बट अचीव बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो तो सिर्फ टाइम की वैल्यू को हमने समझना है। इसके साथ साथ फैमिली की वैल्यू को समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने जो फैमिली की जो लिस्ट है ना,
फैमिली या फ्रेंड्स की या जिन बंदों से आप बात करते हो उनकी लिस्ट को थोड़ा सा क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्ट कर लो, है ना। देखा होगा ना कि कुछ आपको भी लगता होगा किसी का फ़ोन आता है, उससे आपने हालांकि 20 मिनट बात किया और बाद में आप जब भी आप फ़ोन रखते हो तो आपको लगता है कि फालतू में 20 मिनट मेरे ख़राब हो गए। बहुत बार ऐसा होता होगा। जब भी ऐसे बंदों का फ़ोन आता है ना तो 2 मिनट बात करके, क्योंकि सडन करके हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि बात नहीं करनी, 2 मिनट बात करके कुछ भी रीज़न बना के आप उसको कट ऑफ कर सकते हो। जब आप सामने से रिस्पॉन्स कम कर दोगे या फिर आप कुछ प्रोडक्टिव करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो आप उनसे थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लो, वो अपने आप दो हट जाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए होता है मसाला। जब हम मसाला उनको नहीं देंगे ना तो वो अपने आप कई कदम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे करते करते सिर्फ वही बंदे आपकी लाइफ में रह जाएंगे जिनकी कुछ वैल्यू है, या जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपको कहाँ आप गलत हो कहाँ आप सही हो इन चीज़ों में हमारी हेल्प करेंगे। और हमारे लिए कहीं ना कहीं यही चीज़ें काम करती हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम यंग एज में होते हैं तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अगर संगति अच्छी हो तो बच्चा नहीं बिगड़ता है। तो सेम वही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होती है। अगर हमारी संगति अच्छी होगी हम देखेंगे कि ये मेरी फ्रेंड है, ये इतना कुछ करती है और बहुत कुछ करती है, किसी के बारे में फालतू बातें भी नहीं करती, तो हम भी सोचेंगे यार कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम कहाँ फालतू की बातें करते रहते हैं इसके उसके बारे में, तो हमें नहीं करना चाहिए, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ये चीज़ें करनी है। बट ये क्या होता क्या है, एक दिन होती है, 2 दिन होती है, 3 दिन होती है और 4th दिन ख़त्म वो बात, तो फिर से हम उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी चीज़ों को लिखो, शॉर्ट लिस्ट करो, किससे कितनी बात करनी है, क्यों करनी है, उतनी ही करो, ज़रूरी नहीं है हमने ये सब करना, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि चीज़ों को लिखो। जब आप लिखोगे ना कि मैं इतने बजे से ये करूँगी, इतने बजे ये करूँगी, मेरे पास ये है, ओके, तो मैं अपने घर को डेकोरेट कर सकती हूँ, मैं कोई ऐसी डिश बना सकती हूँ, है ना, जो सर्दियों में हम सब यूज़ करेंगे, या फिर मैं कढ़ाई सिलाई बुनाई कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कोई कोर्स कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, अभी हर एज में हम कुछ सीख सकते हैं। और जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे ना कि हर एज में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो उस दिन हमारी जो दिमाग में जितनी भी गंदगी भरी होती ना वो सब निकल जाएगी, क्योंकि उन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इस न्यू ईयर आप एक दृढ़, मतलब पक्के वाला संकल्प लें, पक्के वाला निश्चय करें, पक्के वाला एम बनाएं कि मैंने ये करना ही करना है। और जब आप लिख के कहीं लगा लोगे या रख लोगे एक डायरी में, और जब फिर रात को जब हो जाएगी ना रात, तो फिर देखो कि क्या मैंने ये चीज़ें की आज दिन भर में, क्या मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिव किया। अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें बात करनी है, हमें हैबिट है गोसिप्स करने की, आलतू फालतू की बातें करने की, तो धीरे धीरे करके हमारी हैबिट बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी। आप खुद के ड्रेसेस सिलना स्टार्ट करो, स्टिचिंग सीख सकते हो, कितनी चीज़ें हैं जो कि घर बैठे हम सीख सकते हैं। बहुत इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट हमें इसके लिए चाहिएगी, और बहुत आसानी से हम मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस ईयर आप ये ठान लो कि मैंने कुछ ना कुछ, जो भी आपका एम है, कुछ ना कुछ, चाहे वो ड्राइविंग सीखनी हो, जैसे कि मैंने सोचा है कि इस ईयर मैं ड्राइविंग पक्का सीखूंगी, क्योंकि मुझे 2 व्हीलर मैं चला लेती हूँ, बट 4 व्हीलर क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा फील होता है, ज़रूरी नहीं है कि काम वही करो जिससे कि कुछ इनकम हो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी क्या होता है कि कई बार हम बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हस्बैंड जब ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते करते थक जाते हैं, है ना, कि पूरा दिन और रात जब हम ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे हमें फील होता है कि काश हमें अगर ड्राइविंग आती होती तो मैं भी आधा रास्ता मैं चला लेती, वो बंदा जो है वो रेस्ट कर सकता था। तो इसी तरह से आपने भी यही सोचना है, हर चीज़ करने का सीखने का मतलब ये नहीं होता कि हमें इनकम ही होनी चाहिए, अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाना है, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, और मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें से आप जरूर सीखे होंगे, तो जो भी सीखे हैं मुझे बताना, और आपने क्या संकल्प लिया, क्या आपने सीख मतलब डिसाइड किया है कि इस ईयर में आप क्या करेंगे, 2023 में किस चीज़ को अचीव आप करना चाहते हैं, वो भी मुझे बताना। और मेरी तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब हम किसी चीज़ को
पूरी मेहनत और लगन से करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें ज़रूर अचीव होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, उसमें पूरी मेहनत लगा दो, पूरी लगन लगा दो, वो अचीव आप बहुत जल्दी कर लोगे। एक टारगेट होता है ना, उससे पहले ही आप अचीव कर लोगे। ठीक है, तो मैंने भी यही डिसाइड किया है कि मैंने भी कुछ लिस्ट बनाई है, जिसमें से टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और डेफिनेटली मैं और अच्छी अच्छी वीडियो, इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव चीज़ें आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि जो गलतियाँ मैंने लास्ट ईयर की हैं वो ना हो, और कुछ अच्छा, कुछ और इफ़ेक्टिव आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को भी क्लिक करना जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको न्यू ईयर नव वर्ष की। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको।